मैं थोड़े सामने हुण बेसन की सब्जी बनाउण लगी हाँ, जिहदे वास्ते आपां नूं आ समान चाहीदा है। 3 प्याज ले लो, थोड़ा जिहा अदरक लसन, 3 टमाटर। इहनां नूं हुण तुसीं चाहे मिक्सी 'च ग्राइंड कर लो, चाहे कद्दूकस कर लो, वह तुहाड़ी इच्छा मुताबिक है। बरीक बरीक अदरक ते लसन भी कट लो, टमाटर दी भी इस तरह प्यूरी बना लैनी है, चाहे मिक्सी 'च बना लो, ठीक है। उस तो बाद असीं एक कढ़ाई रख देनी है, गैस स्टार्ट कर देना है। इहदे विच तुसीं पानी पा देना है। मैं 1 लीटर पानी पा दिता है कढ़ाई विच, ये हुण गर्म हो जाएगा। उस तो बाद तुसीं बेसन ले लेना है अपने हिसाब का। ये मैं 1 कौली ली है, 1 बाउल विच ले लिया। इहदे विच थोड़ा जिहा नमक मसाला पा लेना है, नमक थोड़ा पाना है क्योंकि अपने मसाले विच भी जिहड़ा तैयार करना है उहदे विच भी पाना है। थोड़ा थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक। उस तो बाद थोड़ा जिहा तुसीं जीरा पा लो। यह की है जीरा, थोड़ा जिहा पाना है टेस्ट वास्ते। उस तो बाद तुसीं अपने माड़ा माड़ा पानी पा के, थोड़ा थोड़ा पानी पा के इहनूं गुन लैना। ज़्यादा पानी नहीं पैना इहदे विच क्योंकि इह पतला नहीं बनाना। हाँ, लून मिर्च ते अपने विच जीरा पा के मिला लैना चंगी तरह इहनूं बेसन नूं। उस तो बाद तुसीं इहदे विच 1-2 चम्मच घिओ दे मिक्स कर लैने ने। मैं 2-3 चमचे मिक्स कर लेने। उस तो बाद इहनूं मिक्स करन तो बाद चंगी तरह मिला के थोड़ा थोड़ा पानी पा के इहनूं सख्त सख्त गुनना है। इस आटे नूं आपां ने सख्त गुनना है, पतला नहीं करना। जिवें सख्त इस तरह आटा गुन लिया, उस तो बाद आपां ने छोटियां छोटियां गोलियां बना के उसनूं इस तरह लंबे रुख लंबे लंबे बना लैने ने। उस तो बाद तुसीं जिवें जिवें बनाई जाओगे पानी विच, पानी गर्म हो गया अपना, अपने गैस पर पानी रखा सी वो पानी गर्म हो गया, वो इस तरह करके लंबे लंबे इस तरह बनाए ने मैं, वो विच पा देने ने। ये थोड़े पानी विच पान नाल बॉयल होने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, मोटा विच्चों कच्चा रह जाता है, तो जे पतले बनावांगे वो अपने विच्चों टुट जाएंगे बॉयल होना, इस करके मीडियम रखने ने। मैं सारे इस तरह बना के पानी विच पा दिते। जे थोड़ा जिहा तुहाडा बेसन पतला हो जाए तो फिर तुसीं विच थोड़ा जिहा बेसन ऐड कर सकते हो। इहनूं राजस्थान विच गट्टे की सब्जी भी कहिंदे ने, हरियाणे विच भी गट्टे की सब्जी कहिंदे ने, आपां पंजाबी पंजाब विच इहनूं बेसन की सब्जी बोलदे आं। ये देखो तुसीं हुण बॉयल होने शुरू हो गए ने, जिवें जिवें बॉयल होणगे पानी उत्ते झाग आनी शुरू हो जाएगी। जदों पूरी तरह झाग आ जाए इहनां दा कलर थोड़ा जिहा चिट्टे पानी 'च हो जाएगा, तो फिर तुसीं समझ लो कि ये बॉयल हो चुके ने। जदों चंगी तरह झाग आनी शुरू हो जाए फिर उबलणगे। हाँ, आपां ने पानी विच पाए सी गट्टे जिहड़े बनाए सी वो उबल गए ने, हुण बॉयल हो चुके ने, इस तरह थोड़े थोड़े फुल गए ने। यह देखो इन्हां दा साइज अगे नालों थोड़ा जिहा फुल गया, इन्हां नूं आपां ने बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल लिया, सारे गैस बंद कर दो।
फिर अपने इसनों निकालन तो बाद इदे छोटे छोटे टुकड़े कट लेने ने। ये हाले गर्म ने इस करके तुसी ध्यान नाल कटने ने, थोड़ा जहाँ ठंडे होने वास्ते रख दो। इस तरह छोटे छोटे पीस कट लो। सारे पीस इस तरह अपने इको सार कट लेने ने। जड़ा अपना पानी बॉयल वाला सीगा उन्हों अपने फिर किसी बर्तन में कट लेना। इन्हों डोलना नहीं है, अपने सारा पानी कट लिया। कढ़ाई नू दोबारा गैस से रखो, फिर ये अपना तेल पा लो। तेल पा के तेल देखो अपना रेडी हो चुका है, गर्म हो गया है। वो भी थोड़ा जा जीरा पा दो, जीरा अच्छी तरह हो जाएगा। उसके बाद अदरक लहसुन जड़े अपने प्याज किते सी वो भी विच पा देने। जदों अपने प्याज थोड़े जे हल्के गुलाबी रंग के हो जाएंगे उस फिर टमाटर पाने ने, जड़ी अपने प्यूरी बनाई है टमाटर की उस तो बाद पावांगे। कट्ठा नहीं पाना समान। इन्हों तुसी हुण हौली हौली अपना मसाले तैयार करो। जिनी देर अपना प्याजा का मसाला तैयार होएगा उन्नी देर तुसी अपनी सब्जी जड़ी कट्टियां दी सी उन्हों पीस कट लो। अपने प्याज लाल हो चुके ने, हुण देखो इन्हों का कलर कितना सोहना हो गया है, ब्राउन कलर दे हो गए हैं, घ्यो छड्डन लग गया है। हुण इहदे विच अपने टमाटरां दी प्यूरी पा देनी है। टमाटर पाने तो बाद इन्हों 5 मिनट फिर आप टमाटर भुन लाँगे। ये स्वाद मुताबिक स्वाद के मुताबिक मसाले में लून मिर्च पा लेना। फिर इन 5-7 मिनट भुजन वास्ते रख दो। जदों तक ये कढ़ाई में तेल अलग नहीं हो जाता चंगी तरह मसाले भुन लेना। देखो अपने टमाटर भुन के रेडी हो गए हैं। ये थोड़ी जी देगी मिर्च पा दो। तो बाद जड़े अपना पीस कट्टे से सारे बेसन दे इधर विच मिक्स कर दो। किसी ने सुके खाने भी बहुत पसंद होंगे तो थोड़े जो खुद अलग कर सकते हैं। 2 मिनट सेक लवाने तो बाद जड़ा तुसी पानी कढ़िया सीगा ये भी पा देना। जे अपनी ग्रेवी घट है तरी तो थोड़ा जा दूजा पानी मिक्स कर लो वो भी पा दे। जे तुसी गाढ़ी खानी है तो अपने हिसाब नाल, जे पतली खानी है तो होर पानी मिक्स कर सकते हो। मैं थोड़े जे सुके कढ़न लगी हाँ। देख ये सुके परौंठी नाल खाण नूं बहुत टेस्टी होंदे ने।
हुण तुसीं इहदे विच इह पानी जिहड़ा बेसन उबालिया सी ओह सारा पानी विच पा देना। इह हुण तुहाडी ग्रेवी हो गई तैयार। ये थोड़ी जी गाढ़ी है, मैं थोड़ा जहा विच पानी दूसरा पान लगी हूँ। हूँ देखो ग्रेवी तैयार हो गई है, थोड़ा जहा पानी तुसी सिंपल पा सकते हो। हूँ इन थोड़ा जहा बॉयल होने वास्ते आप ढक देना, 5 मिनट वास्ते इन बॉयल आन दो। सब्जी रेडी हो चुकी है, देखो कितना सोहना कलर आया है। गट्टे उबल के अपने पहले ही तैयार सीगे, हुण इहदे विच थोड़ा जिहा धनिया सुक्का पा लो, थोड़ा जिहा गरम मसाला पा लो, जे तुहाडे कोल हरा धनिया हैगा उहनूं बारीक बारीक कट के उत्ते पा दो थोड़ा जिहा। सब्जी थोड़ी रेडी है।